गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुबह के 5 बज चुके हैं और आपकी क्लास शुरू हो चुकी है। बेसिक मैथ यानी कि एक ऐसी उम्मीद वाली क्लास जहां से आप बिल्कुल पढ़ना सीखते हैं। आज हम बात करेंगे सारणी विधि से समीकरणों को हल करना, मतलब दो चर राशियों वाले समीकरण यानी कि इक्वेशन का सलूशन हम आपके सामने लगाएंगे। आप ध्यान से देखिएगा, क्लास को पूरा देखिएगा, बिल्कुल गारंटी के साथ सिखाएंगे। बस क्लास में पूरा बने रहना, कम से कम 10 मिनट। देखिए, युगपत समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण क्या होता है, दो चर राशियों वाला समीकरण क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या होता है, ये सब हम पिछले क्लास में बात कर चुके हैं। ये क्लास नंबर 41 है। चलिए डिस्क्रिप्शन चेक करना, नहीं तो आगे पीछे देख लोगे, यूट्यूब पे मिल जाएगा, 40 नंबर क्लास देख लेना। एक्स का मान वाई के पदों में लिखिए। एक्स का मान क्या है, वाई के पदों में व्यक्त कीजिए। कहने का ये मतलब है, एक्स का जो मान निकालिए वो वाई की तरह आए, मतलब वाई के रूप में आए। कहने का ये मतलब है, जैसे अगर कोई इंसान है उसको किसी दूसरे का मुखौटा पहना दो तो देखने में वो उसके जैसे दिखेगा, ऐसे कुछ करना है। चलिए, एक्स का मान क्या करना है वाई के पद में, तो वाई बराबर हमें लिखना है, वाई बराबर लिखना है क्योंकि वाई के पद में लिखना है। तो क्या करोगे, ये 4 पहले से है और ये एक्स उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बस यही करना है। ये क्या हो गया, एक्स का मान वाई के पद में या वाई के मान एक्स के पद में। देखिए, इसमें आप लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन होती है ना। ये क्या हो गया पता है आपको, ये इसी का जस्ट अपोजिट हो गया। सवाल के अकॉर्डिंग होगा एक्स बराबर, क्योंकि एक्स का मान पूछा है ना, एक्स बराबर होगा क्या 4 और प्लस ये वाई, क्योंकि वाई उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी कि हमने पूछा एक था, 2 कर दिया। ये क्या है, ये वाई का मान है, क्या है वाई का मान है, क्योंकि वाई बराबर है ना, वाई का मान है एक्स के पद में और ये एक्स का मान है वाई के पद में। वाई के पद का मतलब ये देखो वाई प्लस 4 है ना, ये एक्स के पद में है, मतलब 4 माइनस वाई। बात समझ में आई, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। मतलब अगर आपसे घुमा के भी पूछा जाए तो आप इसमें बिल्कुल फंसे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें हम लोग सारणी विधि से हल करना देखेंगे समीकरणों को, लेकिन उसको तीसरे सवाल में देखेंगे, पहले आप दूसरा तो देख लो ना। चलिए, जब सवाल पूरा हो जाए तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, हम आगे पीछे होते रहते हैं। वाई के मान यक्स के पदों में लिखिए, इसको तो कर ही लोगे ना, अब मैं नहीं बताऊँगा, बताइएगा। वाई के मान एक्स के पदों में, 5x माइनस वाई बराबर 9, जल्दी से बताओ कितना आएगा। वाई के मान एक्स के पद में, अभी मैंने दोनों बता दिया एक ही सवाल में, चलो एक्स के पद में वाई का मान, तो वाई बराबर लिख लो, माइनस है तो माइनस 9, ये उधर जाएगा तो माइनस का 5x। क्या करना था, कह रहा कि वाई के मान एक्स के पद में लिखिए, तो बस यही आ गया, लेकिन यहाँ पहले माइनस है, दोनों तरफ माइनस 1 से गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 5x और माइनस 9, ये आपका शुद्ध उत्तर हो गया। चूँकि ये शुरू में माइनस था, कुछ अच्छा नहीं है, माइनस अगर कहीं होता है ऐसे तो उसको प्लस कर देते हैं, बाकी कहीं कहीं ये भी आंसर दिया हो सकता है तो वो भी सही होगा, ये भी सही होगा, दोनों सही है। तीसरा एक मुख्य सवाल आता है सारणी विधि से समीकरण हल करना। सारणी विधि से हल करना साथियों क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना, इसमें कुछ बड़ा नहीं होता, बस आपको समझना होता है। सारणी विधि से देखिए, तीसरा नंबर है सारणी विधि से समीकरण हल करना। अब चलिए, आप रेडी हो जाइए। इक्वेशन नंबर पहला दिया है, इसमें 2 इक्वेशन दिए रहेंगे, द्विघात समीकरण तो नहीं है ये, लेकिन फिर भी दो चर राशि में रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण का मतलब होता है मित्रों, जिस पे कोई घात ना लगी हो, मतलब एक घात से अधिक घात ना हो। एक्स प्लस वाई इक्वल 4, 5x प्लस 12y इक्वल 13, ये क्या है, 2 इक्वेशन दिए गए हैं। कह रहा कि इनको सारणी विधि से हल कीजिए। अब आप क्या करोगे सारणी विधि से हल करने में, ध्यान से देखना, जल्दी से सवाल को नोट कर लीजिए। आपको यहाँ पर 2 टेबल बनाने हैं, और वो टेबल कैसे बनाओगे अकॉर्डिंग अभी हम आपको दिखा रहे हैं कैसे करना है, ध्यान देना। देखिए, जैसे 2 समीकरण है ना,
तो आप दोनों समीकरण के अकॉर्डिंग करोगे। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करोगे, समीकरण एक से देखना, मैं पहले नीचे हल कर देता हूँ फिर उधर करूँगा, ठीक है। पहले इधर लिखिए, समीकरण एक से, दो समीकरण से दो सारणी बनाएंगे, ध्यान देना। सारणी बना देते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं, ज़्यादा टाइम ना लगे। जैसे अब हमने सारणी बना दिया है, ध्यान देना, समझा देते हैं। देखिए इसमें क्या करना होता है मित्रों, पहले समीकरण एक से फिर समीकरण दो से। समीकरण एक से हमारी एक सारणी बनी है आपके सामने है, कैसे इसको भरेंगे आपको दिखाएंगे। देखिए समीकरण एक है x प्लस वाई इक्वल फोर, यहाँ से हम x की वैल्यू को मान मान के खुद से गेस करके रखेंगे। पहले x का वैल्यू हम क्या रखें, जीरो। x का मान अगर जीरो रखते हैं तो समीकरण एक में क्या होता है, इसमें देखो क्या उठल पुठल होता है। x का वैल्यू जीरो पुट करने पर ये हो जाएगा फोर माइनस जीरो इक्वल फोर, यानी कि y का वैल्यू क्या आ रहा, फोर। कहने का मतलब x जब जीरो है तो y क्या है, फोर है। अब इसी में बदल के देख लो अगला, ठीक है। चलिए x इक्वल अब वन पर कर लो, ध्यान देना, x इक्वल वन पर तो y इक्वल क्या हो जाएगा, फोर माइनस वन, यानी कि y का वैल्यू थ्री। मतलब ये जब वन है तो ये कितना है, थ्री। इस तरह से आप अलग अलग ट्राई करोगे पाँच छः सात बार तक, ये कोई निश्चित नहीं कहाँ तक। कुल मिला करके ये मतलब होता है कि मतलब कोई ऐसा मान आए जो दोनों सारणियों में एक समान कॉमन हो जाए। अभी तो हम एक बना रहे हैं, फिलहाल चार पाँच तक देख लेते हैं फिर बाद में आगे चलेंगे, ठीक है। हाँ, अधिकतम मान कहाँ तक रखेंगे अभी हम आपको बता देंगे अगर आप पूरा क्लास देखेंगे तो। चलिए आगे चलते हैं। तो इस तरह से जब x का मान आप दो रखोगे तो क्या आएगा, गेस करो। दो रखोगे तो यहाँ पे दो घट जाएगा चार में से, यानी कि y का मान क्या आएगा, दो आएगा। देखो घटता जा रहा है ना, धीरे धीरे घट रहा है। अगर x का मान तीन रखोगे, देखो यहाँ पे तीन रखोगे तो घट जाएगा चार से, तीन एक आएगा, y का मान एक आया। अगर चार रखोगे तो जीरो हो गया, ठीक। मतलब जीरो के बाद आप जैसे नीचे जीरो आ जाए जब, तो एक आध दो गिनती और लगा दो उधर तक, बस उससे ज़्यादा नहीं। हाँ चार हो गया। अगर पाँच रखोगे तो, पाँच रखोगे तो ये ऐसे बनेगा, ये उल्टा घटेगा फिर माइनस वन। पाँच रखने पे क्या, माइनस वन। इसी तरह से छः रखोगे तो माइनस टू, सात रखोगे तो माइनस का थ्री। इतना आप नोट कर लीजिए, हो गया इतना। कैसे लिखना है बताऊँ, पहले ये चीज़ आप एक साइड में करना और बगल में सारणी बना लेना, या फिर आप इसको ऊपर कर लेना बगल में सारणी बना लेना। कुल मिला करके आपको परीक्षा में क्या दिखाना है पता है, एक करके ऐसे दिखा देना रख के, बाकी ये सारणी बना देना, सब नहीं दिखाना अलग अलग कैसे आया, ठीक ना, जैसे मैंने आपको दिखाया। अब समीकरण दो से चलेंगे। अब आप क्या करोगे, एक नीचे ऐसे लाइन खींचोगे बड़ी सी, चलो मैं बना देता हूँ क्योंकि आप काफ़ी कन्फ्यूज हो गए। ये देखो ये मतलब ये पूरा अलग हो गया, ये पूरा ऊपर हो गया, ठीक। मैंने अलग अलग लिखा है। अब नीचे आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे समीकरण दो से, यहाँ दिख तो रहा है ना, समीकरण दो से। नीचे कहाँ तक है, क्लियर, एकदम ठीक है ना। चलिए समीकरण दो से अगर आप देखो यहाँ पर y का मान निकालते हैं तो क्या होगा पता है आपको, ये हो जाएगा 12y इक्वल, ये देखो 13 है, ये 5x उधर जाएगा, 13 माइनस 5x यानी y बराबर हो जाएगा 13 माइनस 5x और बटा 12। अब इसी में आप एक एक मान ट्राई करो रख रख के, क्या आता है उसको यहाँ सारणी बना के रख देना है। चलिए हम देर ना करते हुए लिख लेते हैं, यहाँ चाहे तो नीचे लिख लो ऊपर, ये समीकरण एक से, समीकरण एक से सारणी, और ये समीकरण दो से सारणी, ठीक। सारणी मतलब टेबल, ये चलिए। तो ये हो जाएगा आपका दो पार्ट में यक्स और वाई। चलिए ऊपर हल करते हैं, इसका काम खत्म हो गया, इसको मिटा देते हैं, ठीक, ओके ना, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो उसको ध्यान देना, x का मान हम पहले जीरो रखेंगे, ये लो जीरो रखा, तो जीरो कहाँ रखोगे, लेकिन ये जो 13 माइनस 5x बना है ना, इसी में
ध्यान से देखोगे सब समझ में आएगा। जीरो ये नीचे 12 इक्वल 13 माइनस ये 5/12 मतलब 8/8 कितना आएगा 12 कितना आया 8/12। यानी अब आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि जब जीरो रखेंगे तो क्या आएगा। यार कुछ गड़बड़ हो रहा है का। जीरो रख के देखो तो 13/12 आएगा क्या। ये देखिए एक मिनट, इक्वेशन माइनस में दिए हैं प्लस में दिए हैं, तो यहाँ से 12y बराबर कितना आया 13 - 5x। ठीक है तो 8/12 आएगा, ये कटेगा 4 × 8 = 12। जीरो पर तो 2/3 आ रहा है, कितना आ रहा है 2/3। जी बिल्कुल कितना आएगा 2/3 ही आएगा, क्योंकि एक सलूशन हमारे पास एक लोगों ने भेजा था उसमें बट गलत है वो। ये कितना आएगा 2/3 आएगा, क्योंकि ये कभी ऐड हो ही नहीं सकता है। जब अगर यहाँ पर प्लस है तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है माइनस में बन रहा है, तो घटेगा तो कभी ये प्लस में जाएगा ही नहीं, कमी होगा उससे, ठीक ना। हाँ एक बात ये हो सकता है, वो क्या है एक मिनट, देखिए क्या है, ये जब आप मल्टीपल करोगे तो क्या आएगा जीरो हो जाएगा ना, मतलब ये जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीरो। 13 - 0 हो जाएगा तो कितना आएगा भाई 13 ही आएगा। ओके 13/12 कितना आएगा 13/12। तो ये हो गया पहला वैल्यू। दूसरा क्या आएगा, इसी में आप मान रखते जाओगे ऐसे एक एक, ज़्यादा टाइम ना हो इसलिए हम भर देते हैं, फिर बताना। चलिए इस तरह से देखिए आपके सारे मान आ चुके हैं, यहाँ पर आप ट्राई करते जाओ एक एक। जैसे मैंने जीरो रखा था, आपने देखा 13/12 आया, इसी तरह से आपने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा। चलिए हम 4 रख के भी आपको ट्राई करवा देते हैं, तो 13 - ये हो जाएगा 4/12, ये 13 - 20/ कितना हो जाएगा 12। इसमें से जब ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा पता है आपको, 4 रखने पे देखिए इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा 5 × 20 -7/12। इस तरह से आप हर एक को अलग अलग कर सकते हो। देखिए कहीं कहीं झूठी का मिस्टेक बोल रहे थे, यहाँ पे सही पे मिस्टेक था, मतलब जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा पता है -7/12। इस तरह से आप एक एक को ट्राई कर सकते हो, ये बड़ा है ये छोटा है, घटेगा तो उल्टा घटेगा माइनस आएगा, यानी कि ये -7/12 आएगा, इतना नहीं है। हमने सोचा कि आसान हो जाए जल्दी से करना ना पड़े, लेकिन लगाना पड़ता है। इस तरह से आप एक एक रख के ट्राई कर लेना, लेकिन इसमें जो मूल बात है मैं मूल बता दूँ। मूल इसमें क्या देखना है कि जो दोनों सारणी बनी है इसमें से यक्स और वाई के मान किस में बराबर हैं दोनों सारणी में, वही देखना वही उत्तर होगा। आप यहाँ पर अगर देखो तो 5 रखने पर -1 आया है, इसमें भी 5 रखने पर -1 आया है, मतलब 5 और -1 ये क्या होंगे सही उत्तर हो गए। लेकिन लिखोगे कैसे, आप नीचे एक लाइन लिखोगे इन सारणी बनने के बाद में, नीचे क्या लिखोगे आप लिखोगे उपरोक्त दोनों सारणियों में, उपरोक्त दोनों सारणियों में x = 5 y = -1 उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है, अतः क्या हो जाएगा ये उत्तर हो जाएगा, बस बाकी कुछ नहीं करना है। x = वही लिख देंगे फिर से 5 और y = -1, ये उत्तर हो गया। तो ये था समीकरण का हल सारणी विधि से, कैसे लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए, हम दूसरा में चलते हैं। देखिए हमने हर एक को ट्राई नहीं किया, इसको ऐसे लिख दिया है करके अनजात अनजात करके, आप इसको एक एक रख के लगा लीजिएगा। तरीका मैंने बता दिया, एक बार जीरो रखोगे एक्स पे वाई का मान आएगा, 1 रखोगे वाई का मान आएगा, 2 रखोगे वाई का मान आएगा, रखोगे कहाँ इस इक्वेशन में जो मैंने अभी लिखा था। वीडियो को पीछे करके नोट कर लीजिए, उसके बाद फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बस क्लास को पूरा देखना, भाग के नहीं जाना, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, इसके बाद अब हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि। क्या देखेंगे प्रतिस्थापन विधि।
मतलब जब यक्स या वाई के मान निकाल करके दूसरे में रखते हैं तब उसको देखेंगे, ठीक ना। तो इसके लिए इसको हम देखेंगे 42 नंबर क्लास में। आप लोग ये क्लास जरूर देखिएगा, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में, इस वीडियो के, इस क्लास के इंड स्क्रीन में लास्ट में ख़त्म होते समय और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल सकती है, उसको वहाँ से आप देख लीजिएगा। या फिर क्लास 8 मैथ ऐसे लिख दीजिएगा, क्लास 8 मैथ फिर / PVR स्टडी पार्ट 42 ऐसे लिख के खोल लीजिएगा, तब भी मिल जाएगा, ठीक ना। अगर आप WhatsApp पे सारी क्लास चाहते हैं तो बिल्कुल आप WhatsApp पे भी सारी क्लास कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस नंबर पे संपर्क करना होगा और WhatsApp पर क्लास के लिए आपको कुछ शुल्क पेमेंट करना होगा, मतलब फीस पेमेंट करना होगा। अगर आप फ्री में देखना चाहते हैं तो YouTube पर सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को ऑन करके रखें और सारी क्लास Facebook और YouTube पर फ्री में देखते रहें। फेसबुक पर PVR स्टडी को आज ही लाइक करके फॉलो कर लें, वहाँ पर आप देख पाएंगे। चलते हैं फिर, जय हिंद। अगली क्लास के लिए इंतज़ार करिएगा, 5:30 बजे से आपको आज ही मिलेगी अगली क्लास, बस थोड़ी देर बाद 5:30 बजे से। चलिए, और 6 बजे से भी क्लास होगी, 6:30 बजे से 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे, हर एक क्लास को देखिएगा, भूलिएगा नहीं।